लक्षद्वीप में मोदी सरकार की पुरजोर मुखालफत। 93 नौकरशाहों ने पीएम को लिखा खुला खत। एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने का मुतालबा। केरला भी अब लक्षद्वीप के साथ आया, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लक्षद्वीप में लोग पिछले कुछ दिनों से पटेल के हाल के कुछ कदमों और प्रशासनिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को खुला खत लिखा है। अपनी इस चिट्ठी में नौकरशाहों ने लक्षद्वीप के हालात पर ध्यान देने की अपील की है। शनिवार को 93 पूर्व सिविल अधिकारियों ने अपने खुले पत्र में लक्षद्वीप के हाल के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसे परेशान करने वाला घटनाक्रम करार दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों के विचार भी शामिल हों। पूर्व नौकरशाहों ने लक्षद्वीप के विकास मॉडल में शिक्षा, सुरक्षा और अच्छे शासन जैसे चीजों को जोड़े जाने की अपील की है। दरअसल लक्षद्वीप में लोग पिछले कुछ दिनों से पटेल के हाल के फैसले के विरोध में एकजुट हो गए हैं। पटेल ने फैसला लेते हुए बी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि यहाँ की ज्यादातर आबादी बीफ का सेवन करती है। वहीं इसके अलावा पूरे लक्षद्वीप में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई है, जिसके कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाते हुए पिछले दिनों केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पटेल को वापस बुलाने और द्वीप के लोगों की जिंदगी और आजीविका बचाने के लिए केंद्र से तत्काल दखल देने का अनुरोध किया था। केरल के वामपंथी सांसदों ने बुधवार 2 जून को त्रिवेंद्रमपुरम में राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाने की मांग की थी। राज्यसभा सदस्यों में सीटू महासचिव इस्लाम राम करीम, जॉन ब्रिटॉस, वी शिवदासन, विनय विश्वम एवं एम बी श्रेयास कुमार तथा लोकसभा सदस्यों में थॉमस चाजिक डॉन और एम आरिफ ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। सांसदों ने प्रदर्शन के दौरान लक्षद्वीप बचाओ का नारा लगाया और प्रशासक को हटाने की मांग की थी। दरअसल बात यह है कि लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह मुस्लिम बहुल सूबा है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार पर इल्जाम लग रहा है कि ये जो बीफ पर बैन लगाया गया है और शराब को आजाद किया गया है, ये मुस्लिम दुश्मनी में किया गया काम है। दरअसल इसी बुनियाद पर वहां मुखालफत हो रही है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं और नए कानून की मुखालफत कर रहे हैं, उसका क्या असर पड़ता है। क्या हुकूमत प्रफुल्ल पटेल को वापस लेती है, क्या हुकूमत जो नए कानून नाफिज किए गए हैं उसको वापस लेती है, या फिर इसी तरह आवाम के खिलाफ मनमानी जारी रहती है। डॉक्टर नाथ रखातुन, रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।